हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तनुश्री सो टुडे विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 54 सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मेनी ब्रिक्स इच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.5 सेंटीमीटर थिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर हाई एंड 1.25 मीटर थिक तो देखो एक क्यूबॉयड शेप का वॉल बनेगा ठीक है तो सपोज ऐसा एक क्यूबॉयड शेप का वॉल बनेगा ठीक है जिसका लेंथ होगा 15 मीटर देखो हाई मीन्स यहाँ पे ब्रेथ तो 2.5 मीटर और थिक मीन्स हाइट तो 1.25 मीटर ठीक है तो ऐसा एक वॉल बनेगा तो देखो किसकी मदद से ब्रिक्स की मदद से ईट की मदद से है ना वॉल बनता है तो एक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है ठीक है तो ऐसा कितना ब्रिक्स की जरूरत होगा ये वॉल बनाने के लिए ठीक है वही हमें फाइंड करना है ठीक है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे ये जो एक ब्रिक है एक ब्रिक का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे ये पूरा जो वॉल है इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे ठीक है फिर हम आंसर निकालेंगे तो फर्स्ट देखो यहाँ पे देखो जो ब्रिक है ब्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में ठीक है और यहाँ पे देखो वॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है मीटर में तो हमें एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मीटर से सेंटीमीटर करने में ज़्यादा इजी होता है तो सेंटीमीटर यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक तो देखो दे आर फोर वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो एल इंटू बी इंटू एच ठीक है तो लेंथ कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ब्रेथ है टेन सेंटीमीटर और हाइट है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव तो हो जाएगा देखो वन एट सेवन फाइव और यहाँ पे इंटू टेन तो हो जाएगा वन एट अच्छा यहाँ पे सेवन पॉइंट फाइव है ना पॉइंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ज़ीरो तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा देखो वन एट सेवन फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है अभी हम क्या फाइंड करेंगे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वल ठीक है तो उसके लिए देखो लेंथ दिया हुआ है ब्रेथ हाइट दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो वल का लेंथ है 15 मीटर तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर तो हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर ठीक है ब्रेथ होगा 2.5 मीटर तो टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर तो हो जाएगा देखो टू फाइव जीरो जीरो एक पॉइंट जाएगा तो टू फाइव जीरो सेंटीमीटर ठीक है और हाइट हो जाएगा वन पॉइंट टू फाइव मीटर तो वन पॉइंट टू फाइव इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर तो हो जाएगा देखो दो जीरो दो पॉइंट दो जीरो के पहले पॉइंट हो जाएगा तो वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल तो वॉल्यूम ऑफ दी वॉल तो फॉर्मूला सेम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो लेंथ कितना है फिफ्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है टू फिफ्टी सेंटीमीटर और हाइट है वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है अभी मल्टीप्लाई होगा फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव तो हो जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव अभी जीरो हम रखेंगे वन ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई एटीन ठीक है अभी थ्री सेवेंटी फाइव फाइव सेवन एट वन ठीक है तो हो जाएगा फोर सिक्स एट सेवन फाइव अभी थ्री ज़ीरोज़ हो जाएगा ठीक है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है अभी हम निकाले हैं एक ब्रिक का वॉल्यूम ठीक है एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है वन एट सेवन फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है तो इतना वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना ब्रिक का है एक ब्रिक का है है ना यूनिटरी मेथड से अगर देखो तो ऐसा होगा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना ब्रिक के लिए होगा एक ब्रिक के लिए होगा ठीक है तो अगर वन क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना ब्रिक के लिए होगा कम ब्रिक के लिए होगा तो डिवाइड हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन एट सेवन फाइव इतना ब्रिक के लिए होगा ठीक है और इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इतना पूरा वॉल के लिए ठीक है तो पूरा वॉल का जो वॉल्यूम है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना ब्रिक के लिए होगा ज़्यादा हो जाएगा है ना ये तो ज़्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा ब्रिक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ठीक है ऐसा होगा तो देखो यही हमें करना है ठीक है तो हम करेंगे देखो दे आर फोर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड ठीक है तो कितना ब्रिक्स की ज़रूरत होगा हम क्या कर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वॉल इसके साथ हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ठीक है जो यूनिटरी मेथड में मैंने दिखाए हैं वो ही हम ऐसे एक बार एक डायरेक्ट हम कर सकते हैं ठीक है वॉल्यूम ऑफ दी वॉल इसके साथ हम डिवाइड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक तो ही ये निकल जाएगा ठीक है तो देखो वॉल्यूम ऑफ दी वर्ल्ड कितना है फोर सिक्स एट सेवन फाइव ज़ीरो 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 क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक है वन एट सेवन फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है अभी डिवाइड होगा तो ये डिवाइड करने से होगा सिक्स एट सेवन फ़ाइव ज़ीरो 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 अच्छा अभी ये टू से जाएगा सेवन थ्री फाइव आ जाएगा अभी देखो फाइव से जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा देखो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ब्रिक्स की ज़रूरत होगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा देखो देआर फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशंस एटीन सेंटीमीटर बाई ट्वेल्व सेंटीमीटर बाई टेन सेंटीमीटर विल बी रिक्वेयर टू बिल्ड अ वाल ट्वेल्व मीटर लॉन्ग एट्टी सेंटीमीटर थिक एंड थ्री पॉइंट सिक्स मीटर हाई ठीक है तो देखो टेन के तरह ही सेम ही वे में ही करना है तो देखो कितना ब्रिक्स की ज़रूरत है एक वॉल बनाने के लिए तो वॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है ठीक है और एक ब्रिक का भी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है ईच ऑफ डायमेंशंस मीन्स थ्री डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है ठीक है तो अभी हमें फाइंड करना है कितना ब्रिक्स की ज़रूरत है ठीक है वॉल बनाने के लिए तो हम फर्स्ट करेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक निकालेंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ वॉल वो वॉल का वॉल्यूम भी निकालेंगे ठीक है फिर हम डिवाइड करेंगे ठीक है तो फर्स्ट देखो यहां पे यूनिट ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर है तो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है अच्छा अभी फर्स्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ठीक है फॉर्मूला है लेंथ हाइट तो 18 सेंटीमीटर इंटू ट्वेल्व सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है तो एटीन इंटू ट्वेल्व करेंगे तो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन इंटू टेन हो जाएगा टू वन सिक्स जीरो क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है तो एक ब्रिक का वॉल्यूम है ये अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दी वॉल ठीक है वॉल्यूम ऑफ दी वर्ल ठीक है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो यहाँ पे मीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे ट्वेल्व इंटू हंड्रेड ठीक है यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा देखो ट्वेल्व इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू तो यहाँ पे हो जाएगा देखो एट्टी सेंटीमीटर है ठीक है और यहाँ पे 3.6 मीटर है तो 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू सेंटीमीटर ठीक है अच्छा अभी देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं ठीक है तो ऐसे लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तो ये हो जाएगा देखो 12 इंटू एट हो जाएगा 96, सिक्स से 36 हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव वन थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अभी पॉइंट है एक तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा देखो थ्री फोर फाइव सिक्स अभी फोर जीरो हो जाएगा ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है दे आर फोर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ दी वर्ल्ड कितना है और वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इतना है ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है ये तो कैंसिल हो जाएगा अभी देखो ये डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ये एक ज़ीरो एक ज़ीरो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं ये कैंसिल कर सकते हैं अच्छा अभी देखो टू वन सिक्स से थ्री फोर फाइव सिक्स ज़ीरो 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 अभी वन से जाएगा ठीक है तो देखो सिक्स ठीक है तो हो जाएगा देखो सिक्सेंड ठीक है तो इतना ब्रिक्स की जरूरत होगा ठीक है वॉल बनाने के लिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है देखो फाइंड दी टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स एट रुपीज सेवन फिफ्टी पर थाउजेंड ठीक है तो टोटल ब्रिक्स कितना है सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है तो थाउजेंड ब्रिक्स के लिए इतना कॉस्ट पड़ता है ठीक है तो टोटल ब्रिक्स इतना है तो इतना ब्रिक्स के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हमें निकालना है ठीक है तो देखो कॉस्ट ऑफ थाउजेंड ब्रिक्स कितना कॉस्ट है रुपीज सेवन फिफ्टी ठीक है तो कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक वन ब्रिक के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा क्या हो जाएगा कम पड़ेगा कॉस्ट तो डिवाइड हो जाएगा रुपीज सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थाउजेंड ठीक है और देखो तो क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ इतना ब्रिक्स सिक्सटीन थाउजेंड ब्रिक्स तो टोटल ब्रिक्स की कॉस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा देखो सिक्सटीन थाउजेंड ब्रिक्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा ये ज़्यादा होगा कॉस्ट है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो रुपीज सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थाउजेंड इंटू सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है तो एक ज़ीरो एक ज़ीरो ज़ीरो और एक ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो हम काट सकते हैं ठीक है तो हो जाएगा देखो तो हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है यहाँ पे एक जीरो है तो रुपीज टाउजेंड ठीक है इतना कॉस्ट पड़ेगा ठीक है फाइंड दी टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट इतना होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी एकोमोडेटेड इन अ क्यूबिक गो डाउन ऑफ लेंथ सेवेंटीन मीटर इफ ईच बॉक्स रिक्वायर्स थ्री पॉइंट फोर क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस तो देखो एक गोडाउन है जो क्यूबिक शेप का है ठीक है और क्यूबिक शेप का मतलब ऑल एजेस का लेंथ इक्वल है ठीक है तो उस गोडाउन में क्या करना है बॉक्सेस रखना है ठीक है उस गोडाउन में तो एक बॉक्स का अगर वॉल्यूम 3.4 क्यूबिक मीटर है ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉक्स का वॉल्यूम 3.4 क्यूबिक मीटर है तो ऐसा कितना बॉक्सेस वहाँ पे उस रूम पे रखा जा सकता है वही हमें फाइंड करना है ठीक है द बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन द रूम विदाउट लिविंग एनी स्पेस बिटवीन देम और वो बॉक्स कैसे रखना है उस रूम में दो बॉक्सेस की बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा ठीक है ऐसे ही वो बॉक्स रखना है उस रूम में ठीक है तो कितना बॉक्सेस रखा जा सकता है वही हम फाइंड करेंगे ठीक है तो देखो सेम ही है फर्स्ट हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन गोडाउन का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे ठीक है और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स जो दिया हुआ है ठीक है तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं तो देखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है एज इंटू एज इंटू एज तो देखियो एज आप लेंथ दिया हुआ है तो हो जाएगा सेवनटीन मीटर इंटू सेवेंटीन मीटर इंटू सेवेंटीन मीटर ठीक है तो 17 इंटू सेवेंटीन टू एट्टी नाइन एटी नाइन और सेवनटीन टू नाइन फोर नाइन वन थ्री क्यूबिक मीटर ठीक है तो अभी दिया हुआ है देखो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ठीक है थ्री पॉइंट फोर क्यूबिक मीटर ठीक है तो हमें निकालना है देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी accommodated तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ठीक है तो क्या है देखो फोर नाइन वन थ्री क्यूबिक मीटर और नीचे होगा थ्री पॉइंट फोर क्यूबिक मीटर ठीक है अभी देखो पॉइंट हम हटाएंगे तो हो जाएगा फोर नाइन वन थ्री इंटू टेन और नीचे हो जाएगा थर्टी फोर ठीक है तो थर्टी फोर से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे क्या डिवाइड करेंगे फोर नाइन वन थ्री ज़ीरो ठीक है तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो देखो वन से जाएगा फोर्थ से जाएगा फोर्थ से जाएगा सॉरी वन थर्टी सिक्स होगा ठीक है अभी जाएगा फाइव से ठीक है तो हो जाएगा आंसर वन फोर फोर फाइव ठीक है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तो ये था थर्ड था पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फिफ्टी फोर लास्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है